नमस्कार दोस्तों, 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का रंग रूप आज की तुलना में बहुत अलग दिखने वाला है। दरअसल ब्रिटेन की फाइनेंशियल सर्विस फर्म स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो कि एक बहुराष्ट्रीय बैंक है और जिसका मुख्यालय लंदन में है, अपनी एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2030 तक मिस्र, चीन, भारत, इंडोनेशिया, तुर्की और ब्राजील जैसे देश, जो आज अपने एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, ये सभी देश अपने अर्थव्यवस्थाओं को PPP के संदर्भ में ट्रिपल अंकों की वृद्धि के साथ दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हालिया अनुमानों, जो कि सभी देशों की PPP के संदर्भ में है, उनके अनुसार अगले दशक में भारत और इंडोनेशिया जैसे देश वैश्विक आर्थिक सीढ़ी पर चढ़कर कल के पावर हाउस बनेंगे। भारत को दुनिया भर में आज एक उभरती हुई ताकत माना जा रहा है और भारत की इस मजबूती के पीछे का कारण है उसकी युवा जनसंख्या और विस्तृत मध्य वर्ग को माना जा रहा है। अब ब्रिटेन की एक फाइनेंशियल सर्विस फर्म ने भी भारत के सुपर पावर बनने की संभावनाओं पर मुहर लगा दी है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि वो कौन से 10 देश है जो कि PPP यानी कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के मामले में 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नंबर 10 पर है जर्मनी। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में जर्मनी की एक्सपेक्टेड GDP 6.9 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल जर्मनी की GDP है 4.555 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में नंबर 5 पर आता है। नंबर 9 पर है जापान। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में जापान की एक्सपेक्टेड GDP 7.2 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल जापान की GDP है 5.749 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में नंबर 4 पर आता है। नंबर 8 पर है रशिया। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार रशिया नंबर 8 पर होगा 2030 तक परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में। रशिया की एक्सपेक्टेड GDP 7.9 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल रशिया की GDP है 4.357 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में नंबर 6 पर आता है। नंबर 7 पर है इजिप्ट। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में इजिप्ट की एक्सपेक्टेड GDP 8.2 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल इजिप्ट की GDP है 1.391 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में 21वें पायदान पर आता है। नंबर 6 पर है ब्राजील। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में ब्राजील की एक्सपेक्टेड GDP 8.6 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल ब्राजील की GDP है 3.495 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में 8वें स्थान पर है। नंबर 5 पर है टर्की। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में टर्की की एक्सपेक्टेड GDP 9.1 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल टर्की की GDP है 2.274 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में 13वें स्थान पर आता है। नंबर 4 पर है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक इंडोनेशिया नंबर 4 पर आ जाएगा और इंडोनेशिया का एक्सपेक्टेड GDP 10.1 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है और फिलहाल इंडोनेशिया के GDP है 3.740 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया में 7वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर है USA। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है
स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार यूएसए दुनिया में तीसरे स्थान पर होगा वर्ष 2030 तक, और यूएसए का एक्सपेक्टेड जीडीपी 31 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है, और फिलहाल यूएसए की जीडीपी है 20.494 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि फिलहाल दुनिया में दूसरे स्थान पर है। नंबर दो पर है हमारा देश इंडिया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2030 तक हमारा देश भारत नंबर दो इकोनॉमी बनने वाली है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का एक्सपेक्टेड जीडीपी 46.3 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है, और फिलहाल भारत की जीडीपी है 11.468 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि फिलहाल दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि दोस्तों, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी देखने को मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो वर्ष 2020 के बाद फिर से भारत की इकोनॉमी 7% से अधिक दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इससे पहले भी भारत में मंदी देखने को मिली है, और भारत उस मंदी से सफलतापूर्वक उभरा भी है। और दोस्तों, ये मत भूलिए कि भारत एक विशाल देश के साथ साथ एक विशाल इकोनॉमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर एक पर कायम है चीन। जी हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के संदर्भ में चीन की एक्सपेक्टेड जीडीपी 64.2 ट्रिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया है, और फिलहाल चीन की जीडीपी है 27.331 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो दोस्तों, यह है टॉप 10 देश जिन्हें 2030 तक दुनिया की ताकतवर देशों में गिना जाएगा। और आपको क्या लगता है कि वो कौन से 10 देश है जो कि भविष्य के सुपर पावर बनने वाले हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।